दोस्तों आप अपने मसाला बीट चैनल को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए। दोस्तों आज हम जो रेसिपी लेके आए हैं वो बिल्कुल मार्केट जैसी ही बनेगी और बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आती है, तो चलिए शुरू करते हैं। मसाला बीट चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पफ, जो बनाने में बहुत आसान भी हैं और खाने में बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं पिज़्ज़ा पफ। हमारे पास पिज़्ज़ा पास्ता चटनी है बनी हुई, इसे हम पैन में डाल देते हैं और आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और इसमें हम डाल दे रहे हैं सब्जियाँ सारी, आप देख सकते हैं। ग्रेटेड हमारे पास ये प्याज है थोड़ी सी, 3-4 चम्मच हमने उबाल के रखा हुआ है मटर, स्वीट कॉर्न है 3-4 चम्मच और थोड़ी सी शिमला मिर्च। इसमें हम ये सब सब्जियां डाल दे रहे हैं अभी थोड़ी सी, और इसे मिला देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको बस पकाएंगे, क्योंकि हमारी सब सब्जियां तैयार है। और इसमें हम मिला दे रहे हैं अपना ये मोज़रेला चीज़, ये हमने कस के रखा है थोड़ा सा। तो ये मसाले को मिला के ये ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ देंगे हम, क्योंकि सब चीज़ पकी हुई है तो हमको इसमें कुछ करना नहीं है। इसे हम बंद कर देते हैं बस मिला के। देखिए पिज़्ज़ा पफ बनाने के लिए हमने लिया है 2 बाउल हमने लिया है आटा, आप मैदा भी ले सकते हैं। हमने लिया है ये 4 चम्मच रिफाइंड, स्वाद के हिसाब से नमक, और 1/4 चम्मच हमारे पास बेकिंग सोडा है। तो हम क्या करते हैं, नमक और बेकिंग सोडा इसमें डाल दे रहे हैं और हम डाल देते हैं इसमें रिफाइंड अपना, ये देखिए, और फिर इसे अच्छे से मिला देंगे। देखिए पफ के लिए आटा तैयार हो चुका है, ना तो ये बहुत नरम है और ना ये टाइट है, आपको बहुत टाइट नहीं मारना है। अब इसकी लोइयां बना लेते हैं बनाने के लिए। अब इसे बेल लेंगे, ये देखिए बेल रहे हैं, और ज़्यादा मोटा और पतला वैसा नहीं इसको बेलना है हमको, देखिए। और अब हम इसे चौखूटा काट लेंगे। ये एजेस हटा देंगे इसके, क्योंकि पिज़्ज़ा पफ बना रहे हैं तो इसको इस तरीके से चौखूटा कर लेंगे। ये देखिए हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे मसाला, एक तरफ लगाएंगे ये देखिए इस तरह, और हमने इसको काटा नहीं है, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है अच्छे मसाले की। इसमें हम पहले थोड़ा सा पानी लगा देंगे जिससे चिपक जाए अच्छे से। और इसको हमने फिर से ऐसे कर दिया, इसको बंद कर दिया और इस तरीके से इसको दबा दिया। ऐसे अच्छे से दबा दीजिए, ये देखिए। देखिए रिफाइंड हमारा गर्म है और इसको पफ को हम डाल देते हैं। दोस्तों आप अपनी जो आंच है सेकने के लिए वो लो टू मीडियम ही रखिएगा। इसी तरीके से हम बाकी के सारे पफ भी तैयार कर लेंगे, ये देखिए। देखिए ये सिक चुका है, आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन बन चुका है ये। और अब हम इसे उतार लेंगे कि कितने बढ़िया हमारे पिज़्ज़ा पफ बन के तैयार हो चुके हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बने हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।